डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे सिमिलैरिटी इंडेक्स की और प्लेजरिज्म की, और फिर इस पे हम ये देखेंगे कि HEC की क्या पॉलिसीज़ हैं और फर्दर क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। देखिए, जब भी आप MPhil का थीसिस या PhD का थीसिस या रिसर्च आर्टिकल किसी भी सॉफ्टवेयर जैसे कि टर्नेट इन पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है, जब उसको इस्तेमाल करके आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वो सिमिलैरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट होती है। यानी कोई भी आपका कंटेंट जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ कितना सिमिलर मैच करता है। ठीक है, जब हम कहते हैं 70% मैच करता है, इसका मतलब है कि वो जो वर्ड्स आपके आपने आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं 70% ऑलरेडी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ वो मैच करते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हर जो सिमिलैरिटी इंडेक्स का जो वर्ड है वो प्लेजरिज्म भी हो। मिसाल के तौर पर देखें, आपने फर्ज कर लें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक टर्म है जो यूज़ हो रही है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, बार बार आ रही है, या कोई भी एक्रोनेम आ रहा है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, या फ़र्ज़ कर लें एटीट्यूड टूवर्ड साइंस एक लफ्ज़ है जो बार बार आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहा है, 100 दफ़ा आया है। अब प्लेजरिज्म में तो खैर ये नहीं काउंट होगा, सिमिलैरिटी इंडेक्स में काउंट हो रहा है मिसाल के तौर पर, बार बार आ रहा है चूँकि, और वो उसको सिमिलैरिटी इंडेक्स में जा रहा है कि जितने परसेंट सिमिलैरिटी इंडेक्स हो गया। अब जो भी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है उसको देखना है कि क्या ये प्लेजरिज्म है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी टर्म बार बार आ रही है तो उसको तो एक्रोनिम करके लिख देंगे तो वो सिमिलैरिटी इंडेक्स से तो ठीक हो जाएगा, तो वो प्लेजरिज्म नहीं होगा ना, क्योंकि वो बार बार आ रहा है। अच्छा, अब आप प्लेजरिज्म किसको कहते हैं? प्लेजरिज्म ये है कि आप किसी बंदे की लिखे हुए डॉक्यूमेंट को या वर्ड्स को या सेंटेंसेस को या पैराग्राफ को हूबहू आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, इवन आप उसको साइट भी कर दें और हूबहू पैराग्राफ आपने उठा के कॉपी करके पेस्ट कर लिया, तब भी वो प्लेजराइज कंसिडर होगा, जब तक कि आप उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखते। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे तो वो प्लेजरिज्म से जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि आपने साइट भी किया और उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी लिखा, तो वो प्लेजरिज्म नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे HEC का एक थीसिस के लिए तो ये है कि 19% सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है, यानी बिलो 20% जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या रिसर्च आर्टिकल्स के लिए भी क्या हमने यही जो है ना वो पॉलिसी को जारी रखना है? क्या रिसर्च प्रपोजल की जब PhD की रिसर्च प्रपोजल्स हैं उनकी जब सिमिलैरिटी इंडेक्स चेक होती है, क्या वहाँ पे भी हमने ये 20% लेस देन 20% को कंटिन्यू रखना है? ये एक क्वेश्चन है। फिर इसी तरह जब रिपोर्ट जनरेट होती है तो सिमिलैरिटी इंडेक्स की बेस पे हम डिसीजन कर लेते हैं, क्योंकि HEC तो 19% सिमिलैरिटी इंडेक्स मांगता है, तो हमें प्लेजराइज रिपोर्ट को देखना चाहिए कि फ़र्ज़ कर लें सवाल ये उठता है कि किसी एक सोर्स से कितना कॉन्टेंट हम कॉपी कर सकते हैं, इस पर SOPs बनाने चाहिए, या ये हो कि कितने वर्ड्स जो कंटिन्यूस वर्ड्स हैं सेंटेंस के अंदर वो जब कॉपीड होंगे कहीं से तो उसको प्लेजरिज्म में कितना काउंट करना है, या हम ये भी देख सकते हैं कि जो डबल कोटेशन अगर आपने लगानी है तो उसके अंदर कितने वर्ड्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, उससे ज़्यादा डबल कोटेशन जो है ना वो उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा देखें ये इस पे थारोली जो है ना वो मेरे ख्याल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत होगी HEC के लेवल पे भी, और कोई SOPs ऐसे बनाएं कि जिससे हम प्लेजरिज्म को प्रॉपरली जो है वो रिपोर्ट कर सकें। जो लोग भी रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की, उनको ऐसी गाइडलाइंस देनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइन देनी चाहिए जिनसे वो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करें, रादर देन सिर्फ सिमिलैरिटी इंडेक्स की बेस के ऊपर उस डॉक्यूमेंट को जो है ना ऑब्जर्वेशन में डाल दें। अच्छा, फिर इसके अलावा जो आखिरी बात मेरी ये होगी कि फ़र्ज़ कर लें आपने पॉलिसी जो है ना वो ड्राफ्ट कर दी और आपने उसमें जो अच्छा इसमें एक बड़ा अहम पहलू ये भी है कि जो पनिशमेंट का लेवल है, फ़र्ज़ कर लें प्लेजरिज्म के भी मुख्तलिफ लेवल्स रखे जा सकते हैं, जैसे बाहर के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है कि प्लेजरिज्म 1, 2, 3 फ़र्ज़ कर लें लेवल 1 पे हैं तो आपको क्या पनिशमेंट या क्या उसमें जो है वो कोई आपके अच्छा इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे
इस मिसकंडक्ट के लिए या प्लेजरिज्म के लिए पॉलिसीज़ मौजूद हैं और प्लेजरिज्म 1, 2, 3 लेवल्स मौजूद हैं जिसमें इस मिसकंडक्ट करने के मुख्तलिफ जो है ना पनिशमेंट्स हैं कि अगर आप लेवल 1 की फ़र्ज़ करने प्लेजरिज्म करते हैं तो जो है ना वो क्या पनिशमेंट है, 2 की करते हैं या 3 की करते हैं। तो हमें नेशनल लेवल पे एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि जो थीसिस हैं चाहे वो एमफिल के हैं पीएचडी के हैं उनको किस तरह प्लेजरिज्म चेक करना है रादर देन सिर्फ सिमिलैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी। इसी तरह रिसर्च आर्टिकल्स को किस तरह जो है ना हमने देखना है और जो प्रपोजल्स पीएचडी की जाती हैं प्लेजरिज्म के लिए उसके लिए भी हमें कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। अपने कॉमेंट्स जो हैं वो आप कॉमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, आपको क्वेश्चन है तो आप बताएं। अल्लाह हाफिज़।